बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़िया है कि ऐवान के अंदर नमाज तरावी और इशा की नमाज शुरू है। इस वक्त 9:30 बजे तक वक्फा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराते हैं या नहीं। 12:00 बजे तक उनके पास टाइम है। ये हमारे सारे साथी रिपोर्टर्स हैं जो सुबह से ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो है ये कवर कर रहे हैं। इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब खुशनूद अली खान साहब भी रात के इस पहर पार्लिमानी प्रेस गैलरी में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं खुशनूद अली खान साहब से। सर, आपके आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो लम्हात हैं इस वक्त पार्लिमानी तारीख के, आपने इससे पहले इस तरह के कोई वाकयात विटनेस किए हैं? अल्लाह ने मुझे नहीं दिखाया ये वाला मरहला लम्हा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे तो ऐसे नज़र आता है जैसे कोई निज़ाम कोई रहा ही नहीं। और मैं समझता हूँ ये अगर आज 2-3 घंटे में हल ना हुआ तो मेरा ख्याल है रियासत को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से इसको रिबट करना है और अपनी रिट कायम करनी है। बहुत शुक्रिया। लाशुबा बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लिमानी तारीख में आज जो कुछ हो रहा है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वाकई ये 12:00 बजे तक 2-3 घंटे इंतहाई अहम हैं। नाज़रीन, हम 12:00 बजे तक यहाँ मौजूद हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।